इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं सुधाकर देसाई जी, ऑयल मार्केट के बड़े जानकार हैं। सुधाकर जी, बहुत स्वागत है सर आपका। 11,000 करोड़ का निवेश पाम की खेती के लिए पर्याप्त है क्या? हाँ, जैसा आई थिंक इट इज ए वेलकम मूव, इट्स ए गुड मूव। 11,000 करोड़ का ईयर में एकरेज को, जो 3.5 लाख टन 3 लाख टन का एकरेज है, उसको हम डबल या ट्रिपल करना पड़ेगा। और उसके लिए पोटेंशियल एरियाज है नॉर्थ ईस्ट, साउथ, अंडमान निकोबार, ये सब बोला गया है। आई थिंक इट इज अ वेरी वेरी वेलकम मूव टुवर्ड्स आत्मनिर्भरता, क्योंकि एज यू सेड 8 मिलियन टन का अपना इम्पोर्ट होता है पाम ऑयल का। सो उसको जहां तक इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो सके वो बहुत अच्छी बात है। बट ये टारगेट बहुत टफ है कि 25-26 तक इसको अगर हम लोग पहुंचाएंगे 1 मिलियन टन्स में, 3 गुना अपने को प्रयास करना पड़ेगा। और इसमें एक और बात है कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरह इसमें रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान दिया है, क्योंकि फार्मर को क्या चाहिए, अश्योर्ड इनकम, क्योंकि इसमें एमएसपी तो होता नहीं है। एसएफबी जो है, फ्रेश फ्रूट बंचेस, जैसे प्रोडक्शन होता है आगे चार साल अब की से फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, 4 ईयर ऑनवर्ड्स जब फ्रेश फ्रूट बंचेस आएंगे उसको 1-2 दिन के अंदर ही क्रश करके ऑयल निकालना पड़ता है। तो इसमें इंडस्ट्री को भी साथ लेके, क्योंकि इंडस्ट्री को मिल डालना पड़ेगा उसी एरिया में जहां पाम कल्टीवेशन होता है। और ये अच्छी बात है कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू से कि वॉलेटिलिटी से हम फार्मर को इंसुलेट कर देंगे, मतलब जो भी मार्केट है उसका जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के हिसाब, जैसे 52 स्कीम चला था सोयाबीन में, ऐसा डायरेक्ट ट्रांसफर मार्केट डिफरेंस प्राइस देंगे। तो इसके लिए फार्मर के लिए एक सोशल कॉज बन जाता है, इनकम का अश्योर्ड इनकम का हो जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि इसको ये बहुत बड़ा सक्सेस हो। लेकिन इसमें और एक दो चीज बोलना है, एक तो इसमें अपने को इंडिया, इट इज सच एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, को ग्लोबल टेक्नोलॉजी टाइप्स के ऊपर हम थोड़ा ध्यान देना है। इसमें चाहिए हाइब्रिड वेराइटी सीड्स, ये जो एनमूप है, नेशनल मिशन ऑन ऑयल्स एंड ऑयल सीड, उसमें 4 बकेट्स में लिया गया है, सप्लाई चेन एंड प्लांट मटेरियल एंड देन अदर कॉम्पोनेंट्स, एंड ऑल्सो दे हैव क्रिएटेड फ्लेक्सी फंड, सम काइंड ऑफ ए शेयरिंग बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसमें और डिटेल्स में स्टडी करना है इसको सक्सेस बनाने के लिए। सो टेक्नोलॉजी टाइप, टाइमली एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस द स्टेट गवर्नमेंट्स वेयर इट इज इंटेंडेड टू बी, नंबर 3 मार्केट एक्सेस, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जहां जहां प्रोड्यूस होता है वो कौन सी कैचमेंट कंज्यूमर मार्केट के लिए ये अवेलेबल किया जा सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं यही बोलूंगा कि नेक्स्ट वी लुक फॉरवर्ड एज ए ट्रेड बॉडी फॉर द डोमेस्टिक ऑयल सीड्स ऑल्सो, लाइक मस्टर्ड, सनफ्लावर, जिसमें और ज्यादा स्कोप है, ये भी हमने को टेकअप करना है। यस, उसके लिए भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं, एक तो ये तो ऑयल पाम के लिए है और बाकी ऑयल सीड के लिए भी जो मिशन की बात हो रही है, लगातार डिमांड भी हो रही है इंडस्ट्री की तरफ से, ये भी उम्मीद की जा रही है कि उसके ऊपर भी आगे कुछ ऐलान हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया सुधाकर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर बात करने के लिए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब IVPH चैनल।